बसमिल्ला वसला वसलम आल रसोल्ला पी टी वी के प्रोग्राम अस्मा असमान्नबी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर ताहिर सिद्दीक हाजरी खिदमत है नाज्रन कराम अस्माबी के हवाले से आप सल्हम के मरूफ़ और मशहूर नामों और सिफात के मानी मफहम और आपके इन नामों से हसूल बरकत और आपके फ़रज़ मनसबी और इन नामों का आपस में ताल्लुक़ इस तरह के मिलते जुलते मौजुआत पर ये गफ्तु जारी है आज की इस गुफ्तु में हमारे मेहमान स्पीकर हैं जनाब प्रोफेसर तारक़ महमूद मुखलिस साहब बहुत शुक्रिया शुकर। प्रोफेसर साहब आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हमें मौका दिया इससे पहले भी आप हमें मौका देते रहिए अल्लाह आपको इसका अजर अजीम ताफरमाए प्रोफेसर साहब हमारा आज का प्रोग्राम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहम तरीन सिफात हैं सारी ही सिफात अहम तरीन हैं लेकिन आज के जो दो ज़ेर बहस आएंगी एक है उम्मी और दूसरा है मुतविल ये दो सफात हैं जो अदीस में और तारीख़ में आपके नामों के साथ आई हैं उम्मी मरूफ़ लफ्ज़ है अरब इसको इस्तेमाल करते थे और मतविल जो है ये तवक्ल से निकला है ये लफ्स और इन दोनों अल्फ़ाज़ के लघवी और अलाही मफ़ाहिम और उसके साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दो नामों का क्या ताल्लुक है इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले ये फरमाइएगा कि उम्मी जो लकब है ये हज़ूर सल्ला व्लम को अलान नबूत से पहले ही मिल चुका था और अरब माशरा इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था कि उम्मी किसे कहते हैं उम्मी लफ्स का लघवी और असलाही मफहम के साथ साथ हमारे क़ारन ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए उम्मी लकब काबिल फख्र कैसे हो गया बसमिल्लर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको भी जजाय अता फरमाए कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये सीरत का काम है और ये हजूर सल्ला वसल्लम के इसमाय मुबारक का जिक्र करना गोया आपकी शख्सियत के उस एंगल और पहलू को लाना या उसका जिक्र करना और हजूर का किसी भी शख्सियत के और किसी भी गोशे का ज़िक्र करना इन आदत बज़ोरे बाज़ु ताना बख्शन बख्षंद खुदाए बख्शिंदा ये अल्लाह ने बख्शे है और ये हमारे लिए जह शरफ गर कबूल उफ्त ये हमारे लिए शरफ़ की इज्ज़त की बात है अब आते हैं आप इस लफ्ज़ की तरफ जी मुझे सैयद जबीर जाफरी बड़े वैसे तो ज़राफ़त के अशार कहा करते जी, थे जी, जी। बड़ी लतीफ़ उन्होंने एक नात लिखी और मैंने जब ये नात पढ़ी तो कई दिन तक मेरे अंदर उस उन अल्फाज ने एक जौक और लुत्फ की कैफियत को बरकरार रखा वो कहते हैं कि वो एक उम्मी जो हर दानिश को चमकाता हुआ आया आ, वो, एक उम्मी। वो एक उम्मी के हर दानिश को चमकाता हुआ आया वो एक दामाने बख्शिश फूल बरसाता हुआ आया और तेरे दर के सिवा आसूदगी कहाँ मिलती तेरे दर पर जमाना ठोकरें खाता हुआ आया। कुर्बान जाए आपकी इस लफ्ज उम्मी की शान पर और शान्मीयत पर जी हर शख्स के लिए उम्मी होना ये ऐब है ऐब है ये एक ऐसी कोई पढ़ा लिखा नहीं है कोई मदरसे में नहीं गया ये किसी और शख्स के लिए ये लफ्ज हो तो उस शख्स के ऐब के तौर पर इजहार होगा मगर जब ये मौसिन कायनत सरवर सरवरा अफजल लंबिया अशरफुल जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु वालेहि वसल्लम की जात के साथ ये लफ्ज जुड़ेगा इस लफ्ज को रिफत मिल जाएगी इस लफ्ज को शान और अजमत मिल जाएगी कैसे देखिए लफ्ज़ ने इज़्ज़त पाई हर लफ्ज हर वो शे हर वो लफ्ज हर वो बयान जो आपसे जुड़ गया वो अजमत बुलंद हो बुलंद हो गया अब देखिए हर अच्छा उम्मी उ के मतलब अनपढ़ इस सेंस में है कि वो किसी मदरसे में नहीं गया वो किसी स्कूल और मकतब में नहीं बैठा वो किसी के पास बैठकर किसी आलिम, फाजिल महक्क पढ़े लिखे बंदे के पास बैठकर उसने जानव तलमुज तय नहीं किया उम्मी का मतलब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम किसी के पास पढ़े ही नहीं किसी पढ़ाने वाले के पास अब ये कैसे हजूर की शान है क़ुरबान जाएँ ये इस तरह हजूर साली वाल वसलम की शान है कि कोई भी बच्चा हो आप भी इसी शोबे से वाबस्ता हैं पढ़ने पढ़ाने से हम भी इसी शोबे से वाबस्त हैं यकीनन हम जिस उसद के पास पढ़े हैं, उसकी शख्सियत का और उसकी तलीमत का अक्स हमारी शख्सियत में मौजूद है मैं जिसके साथ बैठा मैं जिसके साथ पढ़ा मैं जिसके साथ जानव तलमुस स्त की उनकी फ़िक्र सोच का और ख़्याल का असर बहरहाल मेरी शख्सियत चूँकि उसद अपनी सोच और फ़िक्र और इल्म को मुंतकिल करता है ये बच्चे की शख्सियत पर असर होता है अगर नबी पाक साहिब लाख सरवर दोम सल्हुआ वसम अपने बचपने में किसी हाँ अच्छा ये नहीं है कि अरब अरब के माशरे में ठीक है कही जाती है कि वह उम्मियों का दौर था उम्मियों के उम्मी उन्हें कहा जाता था वो उम्मी होने पर फ़ख्र महसूस करते थे मगर एट द सेम टाइम उस वक्त भी तोरात के ज़बूर के इंजील के आलम भी मौजूद थे औरारफीन भी मौजूद थे बड़े बड़े आलम मौजूद थे हजूर किसी के पास नहीं गए शाम में नहीं गए मिस्र में नहीं गए आप उसी इलाके में रहे पहले विलादत के बाद जनाब हलीमा सादिया आपकी खिदमत में रहे फिर वापस आ गए और पूरी ज़िंदगी उसी मक्के शहर के अंदर गुजार दी किसी उस्ताद के पास नहीं बैठे अगर हजूर किसी उस्ताद के पास बैठते अगर हजूर किसी से सीख लेते अगर हजूर किसी से किताब पढ़ लेते वह जो किताब लाने वाला था मौलाना अलताफ़ हसैन हाली ने कहा उतर कर हरा से सए गौम आया और, और एक नुस्खे, नुस्खे एक कीमिया साथ लाया वो जो नुस्खे कीमिया लेके आने वाली हस्ती थी अगर किसी और हस्ती के पास बैठ के उससे कुछ इल्म हासिल करती तो आज का इंसान ये कह सकता था इनको फ़लाने पढ़ाया है रब करीम का वो महबूब था वो वजह खली कायनात था वह महबूब रबालम था रब को यह गवारा नहीं था कि मेरा महबूब हो और वह बैठे किसी के पास और वहाँ बैठ के कुछ सीखे किसी को फरमाया वालम तकन तलम वक़ान फजल आजीज़ है मेरे महबूब तेरा उस्ताद मैं ही हूँगा तुझे पढ़ाने वाला मैं ही हूँगा तुझे इल्मेने वाला मैं भी हूँ मैं ही हूँ यदि आपकी गुफ्तु से जो एक नतीजा अखस मैं कर सकता कर सका हूँ वो ये है कि उम्मी उस शख़्स को कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो लेकिन यहाँ ये यह कोई उलट सा मामला नहीं है उम्मी उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो यहाँ उम्मी लकब उसको मिला है जिससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं हाँ हाँ हाँ। सारी दुनिया और जहानों के केलूम का सरचशमा अगर है तो आपके साथ है ग्रामी है अच्छा आप ये तसवर करें कि हम खुद सैरत के तालब इलम हैं दुनिया की फलाह सदत दुनियावी कामयाबी के लिए दुनियावी तरक्की के लिए जितनी अच्छी और भरपूर और टू दी पॉइंट मालूम आप से मिलती हैं किसी और से नहीं मिलती आखिर तो है कुछ ही नहीं इसमें लेकिन दुनिया माशी तरक्की है तो क्या हजूर सल्ला वल्लम से बेहतर कोई नहीं कोई? है असलाहि तरक्की है तो हजूर सल्ला से बेहतर कोई नहीं ाफ़ीती तरक्की है तो हजर स बेहतर कोई नहीं तिब का मैदान है तो हज़ूर सल्ल से बेहतर कोई नहीं ज़रात का मैदान है तो हजर सल्ला से बेहतर अलगर्ज जहाँ आप ले जाए तो आपने ये फरमाया कि वो उम्मीद थे किताब पढ़ी नहीं थी पढ़ना जानते ही नहीं थे लिखना जानते ही नहीं थे तो इससे बड़ा और मौजा क्या हो सकता है कि एक अल्लाह का एक बंदा अल्लाह का एक फरस्दा अमन के घर पैदा होने वाला लाल चालीस साल अरब के माशरे में रहा हो दौरे जहात में रहा हो कोई ऐसी सिफत जो आपके दिमाग में आए अच्छी सिफत कोई भी वो आपके ज़ात ग्रामीण में भरी पड़ी है और कोई बुरी सिफ्त जो आपके दिमाग में आए वो आपके जत से कोसों दूर है ये तालीम और तरबियत तो हुई कहाँ से फिर किसने सीखा है इसमाइल को आदाब फ़र्जा ये ये कहाँ से हुआ जनाब देखे ना कुछ अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजल से चुनीदा होते हैं चुनीदा होते है। ये स्थार्थ स्थार्थ सलेक्टे। हैं ये रसूल पाक की सिलेक्टेड हैं ये इलेक्टेड नहीं है ये सिलेक्टेड हैं सलेक्टेड इन्हें लोगों ने नहीं बनाया इन्होंने लोगों को बनाया है पहली बात दूसरी बात ये है कि आप जो फरमा रहे थे ना सरकार दो के इस शान उम्मीत के हवाले से देखें इल्म के तमाम सोते हजूर के दरअकदस से ही फूटते मैं मुझे हजरत शरफुद्दीन बसैरी रहम का वो जो कसीदा बुरदा शरीफ हम पढ़ते हैं सुनते हैं और उसने ये शरफुद्दीन बुशहरी को जो हजूर की बारगाह में कबूलियत का दर्जा मिला है इसके रसूल और मोहब्बत रसूल की उन उन्होंने एक शेर फ़रमाया ये मौला यसल वसल दा अमन अबदन अला हबीब का खैरबी व फ़रमाते हैं फ़िन नूद दुनिया व

वमिन कामी आपके वसात का यह आलम है कि लाहो कलम जितना इल्म रखता है हजूर आपके इल्म का जुज है एक है भाई किताब हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है सर बुक उस्ताद या 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 है या किताब है वो उस्ताद भी घूम घुमा के किसी ना किसी किताब से ही अच्छा इसका मतलब है आमतौर पर हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्परेशन ऑफ नॉलेज वो है किताब अब हजूर कैसे किताब को पढ़ते कि जो किताब लेकर आए उसने कायनत में चैलेंज कर दिया कि फातूब सूरत में मिथिल ही इसकी तरह एक आयत और एक सूरत ही तीन नहीं नहीं नहीं। आयतों वाली तो वो आज तक वो आपने पढ़ा हो गया कि वो काबे पे लिखी लिखी वो से दीमक खा गई कि कोई चैलेंज कबूल नहीं कर सकता नहीं कर सकते तो इस दर्जा की आप और दूसरा है एक है कस्बी एक है वाह आप अपनी मेहनत करते हैं आप मेहनत स्ट्रगल कोशिश करने के बाद आप इल्म हासिल करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया मेरे महबूब तू कोशिश बल्कि आपने वरतल कुरान तरती ना। ना। ये क्यों आई कि जब जबरीली अमीन कुरान की आयतें लेकर आते थे हजूर उसको दोहराते थे रब करीम ने फरमाया मेरे महबूब आप तेज़ी न किए करें इन्हें बार बार दोहराया न करें ठहर ठहर कर पढ़ें आपके सीने में कुरान के लफ्ज़ और उन लफ्ज़ों की मारफ़त और हकीक़त उतारना हमारा काम है तो जो कायन के इल्म थे वो हजूर सल्लाम के दरिया ये एक, ये एक, दर दर के दस ये मोज़ज़ा दर मोज़ज़ा मोज़ज़ा दर मोज़ज़ा ये मौजू के मौजे उतरते जा रहे हैं हजूर के इसमें ग्रामी हर, हर हर इसमें ग्रामी मोज़ज़ा अब ये लफ्जाम मोज़ज़ा है हजूर के अजीम तरीन मौजू लेकिन एक शख्सियत है जो किसी जगह पर गई पढ़ी नहीं उसने पूरी कायनात को रियासतों के हाँ चला पूरी कायनात के रियासतों का निज़ाम दिया आपने फरमाया निज़ाम दिया किस चीज़ के मीशत का निज़ाम दिया उन्होंने कानून का निज़ाम दिया उन्होंने इंफ़िरादी ज़िंदगी का निज़ाम दिया उन्होंने समझे कि अल्फाज ने अपने मफहम तब्दील कर लिए आपके गी पर जाके अब जरा मैं अपनी स्टडी में देखता हूँ कि एक दफ़ा एक जगह मैंने पढ़ा कि हजूर सल्लम ने बाजार कायम करने का हुक्म दिया कि बाजार कायम किए जाए मदीना मुदवर में जी, जी, जी। बाजार के दरवाजे चारों तरफ हों और आबादी के सेंटर में बाजार बने ओए, ओए, ओए। और गली इतनी हो कि दो लदे हुए ऊंट क्रॉस कर जाए ये क्या है हम Allah कहते हैं उम्मीद है। यानी आज के दौर का जो सोशलिस्ट है ना जो माहरे इमरानियात है या सोशलिज्म का माहिर है या जो इंजीनियर है जो नक्शे बनाने वाले हैं जो आबादियाँ चौदह सौ साल पहले आपने फरमाया गली उतनी रखना कि दो लदे हुए ऊँट लदे हुए ऊँट क्रॉस करें और कचावे डाले हुए कौन सी गाड़ी उससे बड़ी होती है सर और ये एक, एक मख्तसर सी बात है आप वसल्लम को जो मेरे दिमाग में आपकी गुफ्तु के दौरान बातें आ रही थी कि हज़ूर अक्रम अलैहि वसल्लम को गार हिरा में जाते हुए काफ़ी दिन हो गए एक दिन आ गए कहा इकरा आप क्या फरमाते हैं माँ मा आना है। बेकार मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ ये जुमला उस तरफ रहनुमाई करता है कि हजूर उम्मीदी हैं पढ़े हुए नहीं हैं इससे दलील ये निकलती है कि हजूर नबी हैं Hmm. क्यों इसलिए कि वो उस्ताद वो अला तरीन उस्ताद वो अला तरीन माल्म वो दुनिया के ऊलूम फ़नून का माहिर शख्स जिसका दुनियावी उस्ताद भी ना हो कलम भी ना चलाना आता हो पढ़ना भी ना आता हो लिखना भी ना आता हो कुछ ना आता हो और वो सारी दुनिया के केलूम का माहिर हो किसने सिखाया उसका रब उसता रब उसद रब हो गया शागिर्द इसलिए तो किसी की शागिदी भी नहीं दिया डायरेक्ट इसीलिए तो यानी वो सफेद सफा सफेद पेपर मैं करूं जिसके ऊपर लिखा तो रब ने लिखा कि एक उम्मी एक उम्मी लकब इंसान की फरासत पे निसार एक उम्मी लकब इंसान की फरासत पे निसार सारी दुनिया को बताया कि हुकूमत क्या है और फिर नुकता दानों ने लिया उससे फसाहत का सबक नुकता दानों ने लिया उससे फसाहत, फसाहत का सबक आके पूछे कोई उनसे के बलागत क्या है बलागत क्या है हज़ूर ने फरमाया ना आना अफसरब वालाजम अरब व अजब में देखे ना फसाहत और बलागत का म्यार देखे अरब कहते हैं फसाहत और बलागत वाले को अजम कहते हैं इसका मतलब यह गंगा यानी वो ये कहते हैं कि तो नहीं बोलते फसाहत तो ये नहीं नहीं बोलना किधर आता है वो अजमियों को कहते हैं ये अजमी है इसलिए कि इन्हें बोलना ही नहीं आता उन उन अरबों में रहकर हजूर ने जो फसाहत व बलागत आपकी डिग्री और आपकी रिसर्च भी इसी शोबे में है कि हजूर की जो गुफ्तगु है वो किस तरह है? फसाहत तो बलागत वाली है दो हरफों पर मुश्तमिल एक इन आमाल बन्नी यात मन गश्फ़ा बन्ना एक एक यानी पूरे दरिया और समंदरों को कूजे में बंद कर दिया एक लफ्ज़ बोल के आकासलि ये मन... प्रोफेसर साहब उम्... उम्... उम्मी से बात चलते चलते इंसानियत पर आ गई एक उम्मी और ऊपर से मल्मा इंसानियत।, इंसानियत आपने फसाहत की बात की तो हजूर अकरम सल व्म कि जिस अहद में तशरीफ लाए उस उसद का चैलेंज फसाह तो बलागत था वाह इस्लाम जिस अहद में आए उसका चैलेंज तिब था, था। सलमान जिस में आए उसका चैलेंज जादूगरी थी अच्छा मैं मुख्तर करता हूँ कि चैलेंज क्या है चैलेंज ये है कि अरब बहुत ज़्यादा फसी हो बलीग हैं बहुत जहीन हैं ऐसा ऐसा कलाम बनाते हैं कि दुनिया शस्तर रह जाती है जो बात अभी कहते हैं से बल्फ़ लफ्स बल्लफ़ वही बात साल बाद दोहरा देते हैं किताब है ही नहीं और सब कुछ दिमाग में है जहानत फ़तानत फता, का मैार है उनकी जो अरब जाहिलियत की जो अदब है वो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है उस अरब में एक आता है बंदा जिसे उम्मीद कहते हैं और सब को चैलेंज कर देता है आपने कहा ना मंदगा शफली जमीना अलमुस्तार मतलब दरिया को कूजे में बंद कर बल्कि समुन्दर को कूजे में, को में को बंद को कर देते हैं और यहाँ से एक और बात निकलती है यह भी जहन में नहीं थी लेकिन आ गई हमारा एक प्रोग्राम होगा जवााम के लिहाज से हजूर जवााम हैं और ये वो सिफ है जो अभी आपने बयान की कि हुजूर उम्मीदी है डायरेक्ट अल्लाह से सीखा है और कलम से एक मुराद ये है कि एक घंटे की बात को एक मिनट में कह जाते हैं और एक रवायत ये रवायात हैं कि हज़ूर सल्लम ने कभी कोई लम्बा खुतबा नहीं दिया नहीं आपके खुतबे सकेंडों या मिनटों के होते थे बड़े से बड़ा खुतबा आपका है हजरतलविदा का पढ़ के देखिए वो भी पाँच छः मिनट में ख़त्म हो जाता है विदा लाखों लोग के बैठे हैं और सैदुलकोनैन ख़ताब फरमा रहे हैं दस मिनट में ख़त्म हो गया और उस खुतबे के एक एक लाइन नहीं एक एक लफ्स पे लोगों ने सैकड़ों पेज लिख डाले सब ख़त्म हो जाएंगे वो थकी है फिक्र रसा किसी शेर ने मुझे आज इजाज़त दें सरकार के सद की याद आ थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है कलम है आब पा और मदहा बाकी है और वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है हजूर की मदत का क्या ये समंदर ये इंसान ये हजूर के दौर से तारीफें हजूर से पहले तारीफें शुरू हुई आज हम यहाँ बैठे हैं हमारा रही रही। वक्त उम्मीदी ने काफ़ी ज़्यादा ले लिया और यकीनन ये सम्हारी, एक, सम्हारी. एक ऐसा मौजू मौजूद जैसे बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिए था लेकिन हमने शुरू में कहा था कि मुतवकल भी आप थे तो वह तवकल आल फाहब तवल आपका किस कदर था तोल तो मारूफ़ है उर्दू में भी इसका मज़ीद मफहम की ज़रूरत नहीं है तो क्या फरमाते हैं सर तवक् हजूर से बड़ा मतवक्ल कौन है क्रैश मक् दावत आपने बुलंद की और वो नारे मस्ताना बुलंद किया कि बुतों की मौजूदगी में बुतों के मानने वालों की मौजूदगी में अंधेरों में गिरे हुए लोगों को कह दिया के ला लाला अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं इन मबूदा बाला को तोड़ दो इन मबूदा मबूदा बाला से क्या ख़ज करोगे आकालत सलाम ने जब ये नारा बुलंद किया तोहीद का दर्स देना शुरू किया और तोहीद की दावत देनी शुरू की वो आपके मनसब का तकाजा था आपके स्टेटस का तकाजा था और क़ार रसालत था ये कार रसाल था रसाल तो क़ार रसालत के बयान करने में मुखालफी आ गए अब दावत दी दावत के बाद उन मुखालफी ने इनकार किया और इनकार हल्का फुल्का नहीं किया इनकार करने वालों में आपके ख़ानदान वाले आपके कबीले वाले अरब के सरदार वो इस हद तक आ गए कि जनाब अबू तालिब के पास आए और कहा कि अपने इस भतीजे को कहें कि इसे ये चाहिए इसे फ़लाँ चीज़ फल चीज, जो जब वो बता दिया तो जनाब अबू तालिब ने बुला लिया कि आप आएं बताएँ अब ये है मुतवल की मैं, कहता। मैं सर मैं कहूँगा आज दीन की दावत देने वाले दीन की तबलीग करने वाले अल्लाह की तोहद और रसूल के रिसालत और नब्बत का पैगाम पहुंचाने वालों के लिए इसी एक जुमले में बड़ा कुछ है वो क्या है कि इतने मुतवक्कल इतना यकीन अलामा इकबाल ने कहा यकीन पैदा करे गुबमा है खुदा का दस्त कुदरत कारवात है ये इतना मुतवल हस्ती आपने फरमाया चा जान ये जो आई है ना मेरे लिए लालच की पेशकशें करने के लिए मुझे डराने के लिए मुझे ज़मीन अरब का बादशाह बनाने के लिए मालो दौलत पेश की पेशकश करने के लिए इन्हें बता दें कि मेरे दाएं हाथ पे सूरज और चांद भी रख दें मैं अपने मिशन से पीछे, है पीछे बाला है बाला नहीं।, हटा क्या हजूर के पास उस वक़्त कोई फौज थी क्या हजूर के वक्त उस वक्त जानने वाले थे क्या हजूर के मानने वाले थे सारा खानदान तो अपोजिट खड़ा हो गया सिवा जनाब मु तालिब के बाकी सारे तो अपोजिट खड़े हो गए और कितने मानने वाले थे यह है हुजूर ये यह तवक्कल देखें अली छोटे से बच्चे हैं अब बकर दोस्त हैं खदीजा खातून हैं एक गुलाम है जैद बिन हारसा ये ईमान लाने वाले चार नफुस हैं और उधर पूरा अरब पीछे पड़ गया है और आपने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता कि मैं इस काम से मुझे डर डर तो है सिर्फ़ अल्लाह का वो कहते हैं कि एक बार वसल्लम को काफ़र ने आके गलबा पा लिया पूछा हाँ जी कौन बचाएगा मुझे तुमसे तलवार उसके हाथ में हजूर हुझ। लेटे हुए दरख्त के दी हजूर फिर में अल्लाह अल्लाह कहना था कि उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई और तलवार आपने उठा ली हाँ आप बताओ तो मैं मुझसे कौन बचा माफ़ी मांगना शुरू हो गया यानी आप छोटे छोटे वाक़ात अगर आप लें तबकल के तो हमें जो सबक मिलता है आपकी हयात तैया से देखिए किस कदर किस कदर अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि चार बंदे हैं दस बंदे हैं खुफिया दावत है कोई ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा आपने फरमाया कैसर हो किसरा की चाबियां मेरे पाँव के नीचे वाह 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 ये क्या है मुझे सब? मुझे ना मैं तो चूंकि मैं जब हजूर का जिक्र पढ़ता हूँ और आपकी शख्सियत के घोष तो वो उसका एक लजत ना जिस्म और उसके अंदर एक सरूर आ जाता है रिसाल महाब अलैहि वसल्लम के पास जब वो अश गया दौड़ता हुआ गया वो ता, ताकुब किया तो मुझे वो नाम मेरे जहन से निकल रहा है वो उसने ताकुब किया और उसके जब वो घोड़ा धनस गया तो आपने फ़रमाया कि तू माफ़ फरमाने आखिर पे जब उसे अमान दे दी और फरमाया कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर किसरा, किसरा के और खुस के कंगन देख रहा हूँ वक्त गुजर गया उसने इस्लाम कबूल कर लिया हजूर नबी अक्रम सल अल्लाह तल हयात पाक से आप पर्दा फरमा गए हज़रत उमर का दौर था कि जब फारस फतह हो गया खुसरो का वो इलाक़ा फतह हुआ तो माल गनीमत जब इकट्ठा हुआ माल गनीमत इकट्ठा होने के बाद बहुत सारा माल जब हज़रत उमर के सामने रखा गया तो जनाब उमर ने उस सहाबी को बुलाया फरमाए इधर आओ किधर इधर आओ आपने वो कंगन उठाए और कंगन उठा के उसके हाथों में डाले आज की गुफ्तगू उम्मी के हवाले से थी अलैहि वसल्लम उम्मी है उम्मी का मफहम क्या है और उम्मी और मालम इंसानियत इन दोनों का आपस में जोड़ क्या है मुजात रसूल में से एक मुजजा जवाम ये सारी गुफ्तु फरमा रहे थे प्रोफेसर तारक महमूद मख्स साहब तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें आप इस तरह के खूबसूरत मौजूद के लिए वक्त दिया करेंगे नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज याद महबूब है और याल में तन है अब तो में भी क्या अंजुमन आ है याद महबूब है दिल वही दिल है जो सरकार का शहदाई है दिल वही दिल है जो सरकार का शहदाई है जा वही जा है जो तैे बाकी तमन्नाई है जहाँ वही जा है जो ते बा तमन्ना आई है अब तो खलब में भी क्या अंजुमन आ रई है याद मबू मैं फिदा जबी तेरा नाम लिया है मैंने दिल भी तड़ पा है मेरी आंख भी भर आई है यादे महबूब है और आलमे तन तन्हाई है याद महबूब है